अरे बिट्टू, हाँ तू दिख रहा है मुझे। जी पापा, मैं भी आपको देख सकता हूँ। बदतमीज, देख सकता है तो देख के क्या कर रहा है? पांव छू? 2 महीने का हो गया तुझे कानपुर छोड़े हुए, सारे संस्कार ही भूल गया। जीता रहा। पापा आवाज ठीक से आ रही है? हाँ बराबर आ रही है, बराबर। ये स्काइप चीज अच्छी सिखा दी तेरे छोटे भाई ने। चलो कुछ काम तो आया। अरे नहीं, जब से तू गया है ना तब से काफी जिम्मेदार और समझदार हो गया है छोटा। अभी 2 दिन पहले रात को उसके कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी, मैंने अंदर जाके देखा तो स्काइप पर बाहर के देश की लड़कियों के साथ ना बात कर रहा था। मैंने पूछा तो बोला उन्हें हिंदी सिखा रहा हूँ पापा। पूछा बाहर के देशों में इतनी गरीबी है कि उन लड़कियों के ना पास पहनने के कपड़े भी नहीं थे। कानपुर को गरीब बोलते हैं। अच्छा सुन बिटू, एक बात बता, हम स्काइप पे किसी से भी वीडियो चैट कर सकते हैं क्या? हाँ पापा कर सकते हो, अगर उनका स्काइप आईडी हो तो। हाँ तो फिर मैं डॉक्टर वर्मा को ऐड कर लेता हूँ। डॉक्टर वर्मा को क्यों पापा? अरे बेटा वो मुझे छाती के भालों में ना फंगल इन्फेक्शन हो गया है, हर हफ्ते चेकअप के लिए उनके पास जाना पड़ता है। अब स्काइप पे उनका अपनी छाती दिखा दूंगा। उनको करीब से देखने के लिए वो तेरे दादाजी का जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसको यूज कर लूंगा। देख बेटा पेट्रोल के पैसे बच जाएंगे। अच्छा ये बात बता, ये छोटा कह रहा था किसी भी स्काइप पे मोबाइल या लैंडलाइन पे बात कर सकते हैं, सही है क्या? हाँ तो अगर मैं जोधपुर में तेरे चंद्र मामू की लैंडलाइन पे फोन लगाऊं तो उनको देख पाऊंगा क्या? अरे पापा देख कैसे पाओगे, सिर्फ बात कर पाओगे। क्यों? क्या क्यों पापा, लैंडलाइन पे कोई कैमरा लगा है क्या जो आप उनको देख पाओगे? सिर्फ बात हो पाएगी उनसे। पर मेरे लैपटॉप में तो कैमरा है तो मुझे देख पाएंगे पर मैं उन्हें नहीं, ये तो गलत बात है ना? वो भी आपको नहीं दे पाएंगे, वो भी सिर्फ बात कर पाएंगे आपसे। सिर्फ बात हो पाएगी तो मैं सुन, ये दूसरा छोटा कह रहा था कि हम स्काइप से मैसेज भी भेज सकते हैं। तो फिर अगर मैं इससे कॉल कर सकता हूँ, मैसेज भेज सकता हूँ तो फिर मोबाइल की क्या जरूरत है? पापा लैपटॉप आप जेब में लेके थोड़ी ना घूमोगे, पर आपके वो पुराने डब्बे मतलब मोबाइल में ऐप की डाउनलोड भी नहीं कर पाओगे आप कहाँ स्काइप चलाओगे पापा? छोड़ो ये सर। अरे उसपे क्या, नया मैं नया मोबाइल ले लूंगा पर उसमें सिम कार्ड नहीं डालूंगा, सिर्फ स्काइप के लिए इस्तेमाल करूंगा। अरे बिट्टू तेरी आवाज नहीं आ रही है। पापा सुनाई दे रहा है। अच्छा सुन, छोटे से बोल के हम सबके लिए ना स्काई पार्टी बनवा देंगे, उसमें क्या है? अरे तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? फोन पर इतना बोलता है, स्काई पर शर्मा रहा है क्या? पापा वो बहुत दिनों के बाद देखना तो इमोशनल हो गया हूं मैं। अरे बेटा ऐसे थोड़ी करते हैं, इतनी याद आती है पप्पा की तो अब से दिन में 2-4 बार स्काई पर बात कर लेते हैं। सुबह की चाय और रात का खाना तो साथ बैठ के कर सकते हैं। तू अपनी थाली लाना, मैं अपनी थाली लगाऊंगा, बाप बेटा मजे में खाएंगे। अरे बिट्टू तेरी नाक गंदी है, माउस से साफ कर दूं क्या? क्या आप भी यार? मजाक कर रहा हूं बेटा, पर ये क्या तू नहाया नहीं है, पसीने की बदबू यहां तक आ रही है। मेरे पसीने की बदबू वहां पे कैसे आ सकती है? क्यों? तो देखो कहीं छोटे खड़ा होगा। अरे जब स्काइप पर तुझे देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बात कर सकता हूँ तो सुन क्यों नहीं सकता? स्काइप पे खुशबू बदबू आस पार नहीं होती, मैंने बोला ना आपको छोटे खड़ा होगा बाजू में। वैसे भी जनवरी में नाता नहीं है, सर्दियों में ना नहाने का पूरा 9 साल का रिकॉर्ड है उसका। सही कहा तूने, ये देख। अरे तो मेरे को उसकी अर्ली कैंडिडेट क्यों दिखा रहे हो, नीचे रखो यार। चल अब तो देख जनवरी खत्म होने वाला है, कुछ दिनों में फिर से वो नहाना शुरू कर देगा। ये बिट्टू सुन, 2 लोगों के साथ बात करने में एक्स्ट्रा तो नहीं चार्ज होगा? तो फिर ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ घर के बाकी लोगों को बुला के लाता हूँ, पक्का उनका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। पापा, एक काम करो, मुझे भी टॉयलेट जाना, तो बातें बात कर लेंगे, क्या बोलते हो? तो बेटा टॉयलेट में लैपटॉप अंदर लेके जाना।
गोल पे रख लेना, किसी को कुछ दिखाई भी नहीं देगा। अभी तो तू कह रहा था कि खुशबू आर पार नहीं होती। अरे अरे बिट्टू, ये अंधेरा कैसे हो गया? तेरे हॉस्टल में लाइट चली गई क्या? अरे बिट्टू,